आज ही ऐप डाउनलोड करें ट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो गाइस सो आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है तवीरा शेवर ट्रेडिशन इन कर्नाटका तो पिछले वीडियो में हमने देखा था द ट्रेडिशन विच एग्जिस्टेड इन तमिलनाडु रीजन और उससे पहले नॉर्थ इंडिया रीजन में जो ट्रेडिशन एग्जिस्ट करते थे दैट इज द वैष्णवाइट्स एंड द शैवाइट्स तमिलनाडु में अलवर्स एंड नैनार्स और कर्नाटका में हमारा वीर शैवा ट्रेडिशन तो हम देखते हैं यहाँ पे द ट्वेल्थ सेंचुरी वटनेस द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका लेट ब्राई अ ब्राह्मणा नेम बसावना वन वन ओ सिक्स टू वन वन सिक्स एट

डेट तो लिंगायत अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर कम्युनिटी फॉर्म करते हैं आज के डेट में भी उनका एक बहुत बड़ा सोशल ग्रुप है उनकी मीटिंग्स अभी भी होती हैं तो लिंगायत स्टिल एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा एंड मैन यूजली वेयर अंगा इन सिल्वर केस अ लूप ओवर द लेफ्ट शोल्डर तो ये लोग क्या करते हैं शिवा की वर्शिप करते हैं उनके कौन से फॉर्म में उनके लिंगा की फॉर्म में उनको वर्शिप किया जाता है ना दिस इज लॉर्ड शिवा इन अ फॉर्म ऑफ लिंगा उनके इस फॉर्म में उनको वर्शिप किया जाता है और जो जो मेन लोग होते हैं वो क्या करते हैं एक स्मॉल uh, लिंगा को सिल्वर केस में पहना करते हैं विच इज़ वॉन अराउंड देयर लेफ्ट शोल्डर जैसे यहाँ पे एक मैन uh, है एक लिंगा फॉलोअर है जिन्होंने देखा सिल्वर केस दिख रहा है यहाँ पे तो ऐसा ये लोग वेयर करते हैं एंड दे दे यूज लाइक दिस बिल्कुल ऐसे ही ड्रेसअप होते हैं वो अभी भी दे बिलीव दैट ऑन डेथ द रिवोटी विल विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड नॉट रिटर्न टू दिस टू दिस वर्ल्ड तो उनका ये मानना है कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं वो लोग यूनाइट करते हैं शिवा के साथ और वो वापस इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे मतलब वो लोग रीबर्थ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं. वो लोग यूनिफिकेशन में बिलीव करते हैं कि हम इस लाइफ में एक बार आते हैं और एक बार मरने के बाद हम लॉर्ड शिवा से यूनाइट हो जाते हैं दो दे डू नॉट प्रैक्टिस फ्यूनरी राइट सच आज क्रिमेशन प्रिस्क्राइब इन द धर्मशास्त्रा दे दिस सेरेमोनियली बरी डेड सो ये लोग फ्यूनरी राइट्स को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते तो जैसे हमारे शास्त्र में काफ़ी सारे मंत्र मेंशन हैं कि जब हम आ, किसी को बर्न करते हैं किसी की डेड बॉडी को तो हम काफ़ी सारे ऐसे मंत्र पढ़ते हैं तो उनके उसमें ऐसा कुछ ही मानना नहीं है वो लोग क्या करते हैं अपने डेड को सीधा बरी करते हैं लिंगाइत् चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पोल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टन ग्रुप्स बाय द ब्राह्मणास तो लिंगायत भी अब हमको यहाँ से ये यह पता चलता है कि लिंगायत हर एक कास्ट क्लास और जेंडर के लोगों को अपने आ, ग्रुप में आने देते हैं मतलब नो नॉट जेंडर नॉट जेंडर ओनली कास्ट एंड क्लास और ये लोग जो ब्राह्मण्स ने कुछ कास्ट को पल्यूशन की तरह मतलब ट्रीट करा था उसको भी ये लोग निगलेक्ट करते हैं मतलब ये लोग हर टाइप के कास्ट और क्लास के लोगों को अपने इस ट्रेडिशन में आने के लिए इन्वाइट करते हैं दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ रीबर्थ के भी इस थ्योरी को वो क्वेश्चन करते हैं कि हमारा दूसरा जन्म नहीं होता वो लोग एक ही बार जन्म लेने में बिलीव करते हैं दीज वन दैम फॉलोअर्स अमांस दो मार्जिनलाइज विद इन द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर अब सबसे ज़्यादा कौन से लोग इस ट्रेडिशन की तरफ अट्रैक्ट हुए वो लोग अट्रैक्ट हुए जिनको ब्राह्मण्स ने हमेशा सोशल ऑर्डर से दूर रखा जैसे कि अनटचेबल्स और द चंडालाज दे ऑल्सो इंक्रेज सर्टन प्रैक्टिस डिस अप्रूव इन द धर्मशास्त्र सच आर पोस्ट ब्योर्टी मैरिज एंड द री मैरिज ऑफ विडोज तो हम ये भी देखते हैं कि वो लोग अपने व्यूज में काफ़ी ओपन थे उस समय और काफ़ी एडवांस थे दैन द ब्राह्मिन दैन द पीपल हु फॉलो द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस तो इन लोगों ने वो वाली प्रैक्टिस को भी इंकरेज करा जो कि धर्मशास्त्र में गलत मानी गई है जैसे कि जैसे ये लोग ये भी मानते हैं कि लड़कियों की शादी अगर एटीन ईयर्स से ऊपर हो जाए वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो लोग ये भी कहते हैं कि जितनी भी विडोज हैं उनकी रीमैरिज भी होनी चाहिए बल्कि ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये धर्मशास्त्र में एज अ सिन मानी गई हैं वी गेट ऑफ दिस ट्रेडिशन फ्रॉम द वचनास आर इन कन्नड बाई मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द मूवमेंट अब हमें इस ट्रेडिशन के एविडेंसेज कहाँ से मिलते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं एविडेंसेज पे और अगर कोई भी एविडेंस एज अ टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो वो एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ट्रुथ माना जाता है सो so, हमें इनके एविडेंसेस मिलते हैं वचन से मतलब वचन मतलब सेइंग्स और ये किस में कम्पोज है वचन ये कम्पोज है हमारे कन्नड़ लैंग्वेज में कन्नड़ लैंग्वेज में किसने कम्पोज करे थे मैन और वुमेन जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन करा अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो इनका जो जेंडर वाला जो मैंने बोला था कि जेंडर में इतने ओपन नहीं है तो लिंगायत का ये है कि दे ऑल्सो रोम अराउंड नेकेड तो उस समय औरतों को मतलब ऐसे अपोज अपोजिशन हुआ था कि क्या औरतें भी एज नेकेड घूम सकती हैं तो बिल्कुल दैट वाज नॉट अलाउड तो वो लोग साड़ी पहन के घूमा करती थी बट uh, इसमें जो इसके जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं मतलब इसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस भी होती हैं सो so, इसीलिए वुमेन इस इस uh, इस ट्रेडिशन में ज़्यादा नहीं पाई जाती बहुत रेयर केसेस में हमें वुमेन दिखती हैं मोस्टली इसमें मेन ज़्यादा होते हैं अब क्या हुआ हमारे उस समय और दो रिलीजियस डेवलपमेंट हुए सबसे पहला मैनी आइडियाज ऑफ तमिल भक्त, दैट इज़ वैष्णवा वर इन कॉपरेटेड विद सांस्कृतिक ट्रेडिशन कलमिनेटिंग इन द कॉम्पोजिशन ऑफ वन ऑफ द बेस्ट नोन पुराना दैट इज द भगवता पुराना अब इस समय यह भी है कि उस समय के जो वैष्णवास थे मतलब तमिल भक्त तमिल वैष्णवास उनको कंपोज मतलब उनको ज्वाइन करा गया किन के साथ सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के साथ जो संस्कृत में हमारे ट्रेडिशन मैंशन है उन्हें ज्वाइन करा तमिल भक्त के वैष्णवा के साथ और उससे हमारी एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन बनकर आती है पुराना की जिसको कि हम क्या कहते हैं आज भगवता पुराना भगवता पुराना एक बहुत अच्छी कंपाइलेशन मानी जाती है तो ये किसकी कंपाइलेशन है ऑफ़ द तमिल वैष्णवाइट्स एंड ऑफ द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस सेकेंडली हमारा जो इस समय रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ वो था हमारा इन द थर्टीन सेंचुरी तो उस समय हमें हम यह भी दिखता है कि काफ़ी सारे रिलीजियस ट्रेडिशन भक्ति के हम महाराष्ट्र में भी दिखते हैं कि उनका इमर्जेंस होता है थर्टीन सेंचुरी में तो इससे एक चीज़ ज़रूर क्लियर है कि इस एट टू एटीन सेंचुरी में जितने भी हमारे रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए उस समय तो उस समय जितने भी रिलीजियस डेवलपमेंट हुए वो हमारे इंडिया के हर एक सब कॉन्टीनेंट ने सब uh, कॉन्टिनेंट को उसने कवर करा मतलब एक भी ऐसा कॉन्टिनेंट ऐसा सब कॉन्टिनेंट नहीं था इंडिया के अंदर जहाँ पर हमारी भक्ति आइडियोलॉजी एग्जिस्ट नहीं हुई हर एक कंट्री के पार्ट में हमारे ये वाली आइडियोलॉजी एग्जिस्ट हुई और लोगों ने इसको बहुत खुशी खुशी वेलकम भी करा स्पेशली किन लोगों ने वेलकम करा वो लोग जिनको हमेशा ब्राह्मण्स ने निगलेक्ट करा था सच एज वुमेन एंड दी लोअर क्लासेस सो दैट्स दैट अबाउट दिस तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट रिलीजियस वमस इन नॉर्थ इंडिया और भी काफ़ी सारी चीज़ों के साथ हम नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे तो यहाँ पे हमारा वीर शैव ट्रेडिशन खत्म होता है आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल का दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर